भाजपा जहां धान खरीदी की 80% राशि केंद्र सरकार को देने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पलटवार कर अब तक हुई धान खरीदी का हिसाब पूछ रही है। आखिर धान खरीदी के मुद्दे पर क्यों हो रही है सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के लिए धान खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस हो या भाजपा, धान खरीदी का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है। भाजपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी में केंद्र से 80% राशि मिलने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में इसे दोहराया। वहीं सीएम भूपेश ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता श्रेय की राजनीति में लगे हैं। इस पर भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा श्रेय की राजनीति नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने धान खरीदी को लेकर सभी राज्यों में एक नीति अपनाई है। 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। और 15 वर्षों में 1-2 रुपए किलो का चावल गरीबों को भूख मिटाने का काम, और मैं कहूंगा कि मेडिकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, सड़कों का जाल बिछाया प्रयास और संकल्प स्कूल खोले, तो ऐसे महापुरुष को जो विकास को लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की महतारी की अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनका तो हमेशा फोटो आगे रहना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब पलटवार की मुद्रा में हैं। वे पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार धान की खरीदी करती है तो रमन सिंह ने 2014 में कैसे 10 क्विंटल धान खरीदी का फैसला लिया, क्यों उन्होंने किसानों का दाना दाना धान नहीं खरीदा। सीएम ने कहा कि इस बार सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करने जा रही है। रमन सिंह ये बताया कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए, अब तो 13 रह गया। तो मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोल लिए, अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में प्रदेश में धान खरीदने को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। बहरहाल धान की खरीदी को लेकर हो रही सियासत के बीच किसान ही तय करेंगे कि उनका हितैषी कौन है, लेकिन इससे ये तय है कि चुनाव में धान की कीमत का मुद्दा सबसे अहम और निर्णायक होने जा रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।